ओल्ड गुप्ता कॉलोनी, फोर फ्लोर अपार्टमेंट्स, वेरी नाइस लोकेशन, एवरीथिंग वेरी नाइस, वेल फिटेड अपार्टमेंट. Three side open. What point? Three side open है. एरिया का पार्ट है, बट हमने आपको पहली करी लोगों ने. हाँ 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 हाँ. ये बोला. हाँ, अपने छोड़ रखी है. पीछे भी खुला हुआ है. बहुत ही बढ़िया. थ्री साइड ओपन है. वाओ, बहुत बढ़िया. और पूरा मतलब सारे लाइनअप में है, मतलब बाहर. काफी अच्छा बना है. थ्री साइड ओपन है. दो सौ गज का बेसमेंट का हो गया. ओके. पार्किंग मतलब रजिस्ट्री का भी मार्क. कितने गाड़ी आ जाएंगी यहाँ पे? एक बार दो गेट है ना. दो गेट. भैया मैं अपने हमारी पार्किंग में से बोल रहा हूँ. ओके ओके. वेरी ये लाइन है ना ब्लैक. अच्छा अच्छा. ये आप सेपरेट चार साल चार साल चार साल ये एज पर रजिस्ट्री रजिस्ट्री के ऊपर. ये भी सामान है, बट पीछे भी एक हल्का सा एक छोटा टॉयलेट है. टॉयलेट भी नीचे बेडरूम पर आते हैं ना. ओके ओके ओके. पीछे से खड़े होंगे तो मिल जाएगा. ठीक है सर. और एक दरवाजा पीछे खुलता है ऐसे कभी. ये तो मतलब हट भी जाएगा. ये तो हटेगा ही. ये तो हटेगा. हमें सवाल ये मतलब हटेगा नेक्स्ट वीक. नेक्स्ट वीक हट जाएगा. इसमें मैं आपको बता देता हूँ. वन टू थ्री फोर. ये ट्रंक सिर्फ इमोशनल है. मेरे दादाजी का ट्रंक. वो तो ऐसे हमारे घर में ऐसे चार साल पुराना है इसलिए रखा हुआ. बाकी ये सारा सामान हमारा है. ये मैंने कुछ दिन रेंट रखा था ना, तो उस मैनेजर ने ये एसी वीसी बाहर कर दिया. अब अच्छा दे जाए. अच्छा अच्छा. ऊपर जाती है छत का ऊपर. हाँ हाँ ठीक है. ओके ओके. ये एक बेडरूम हो गया ना. हाँ ये बेडरूम. इसमें एक छोटा सा फ्लॉप हो गया. फ्लॉप इस तरफ ये है कि इस घर में दो बाथरूम है. ठीक है सर. मतलब दस पाँच ये गली में खड़े थे ना पीछे. ये वो है. इसमें मैक्सिमम अगर ये घर बनेगा तो यहाँ तक पहुँचेगा. बट ये गली में रहेगा. बढ़िया हो रहा है. ये विंडो ये ओपन खोलना पड़ता है शाफ्ट. बहुत सर शाफ्ट के लिए. तो ये शुरू को तो बहुत तेज हवा है. ये मतलब मैंडेटरी होता है. ये हो गए टॉयलेट. कॉमन है ये तो. इसके बेडरूम के साथ सिंपल. हाँ बोला है सिंपल. ठीक है बढ़िया बना. इसके साथ ही हूँ वही हो. ये हमने अपने ताकि यहाँ से भी रोशनी आती है. चाय बंद है. आप खोलेंगे तो हवा भी आएगी. बिल्कुल हवा इधर से इतनी आती है कि जरूरत नहीं पड़ेगी. ग्राउंड जब ये ओरिजिनल करता है ना व्यू काफी अच्छी है सर. व्यू भी अच्छी है. ये जो जैसे ये घर बना है ना ये घर
एरिया कम है हमारा, बिल्कुल ऐसा ही था ग्राउंड फ्लोर, और इस साइड में मेरा ही बेडरूम था ग्राउंड फ्लोर। सिर्फ दो फर्स्ट फ्लोर पे बने थे, बाकी ग्राउंड सामने पूरा खुला हुआ। वो जमाना चला रहा है, जैसे लॉन में ऐसा लग रहा है जैसे यूज हो गया। बढ़िया, ये हो गई किचन। किचन भी तो मॉड्यूलर बनाई हुआ है, मॉड्यूलर बनाई हुआ है, मतलब पूरा वुडन वर्क तो है। ना वो हमें ध्यान नहीं दिया ना, तो वो थोड़ा सा जैसे ये क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर गया, और कुछ नहीं है फर्श वर्श के। तो वो तो बना तो सब बना वो ठीक है। यहाँ वो लोग ग्लास लगा लेते हैं, वो एक जो ऑक्यूपाइड है वो भी देखते हैं। ये कॉमन रूम पूजा रूम है, ये भी और एक बेडरूम हो गया। ये मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम इसके साथ एक टॉयलेट कमरा। ओके ओके ओके, वाओ इसके व्यू तो काफी हो, बहुत ही ऊंचे वाले। मतलब ये अब सैचुरेशन मेन के ऊपर पूछ रहे हैं, इससे ऊपर अलाउड नहीं। बहुत बढ़िया, तो व्यू काफी अच्छा है यहाँ, व्यू काफी बढ़िया है सर। मैंने क्या बताया, इतनी बढ़िया क्या रूम के साइड लगे हुए थे। ये सही बना है सर, मतलब वही वाली सर। पहले हमने पूरा ही खोल रखा था, फिर शीशा लगा दे, धूल बहुत आ रही है। ओके ओके हाँ सर, धूल बहुत आ रही है, तो मैंने शीशा लगा उतार रहे। ठीक है।